हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं किसकी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके कोल इंडिया लिमिटेड में आपके सिविल एमई एंड इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ क्या जा सकता है। चूंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम कंडक्ट हो गया है, तो सर आप ये बताइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका क्या जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने हर एक चीज के यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है, कैंडिडेट से बात भी हो गई है, हर एक चीज के बाद आप लोगों का कट ऑफ क्या जा सकता है हम जानेंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ दोस्तों, एंड आपको वीडियो के बाजू में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। एंड दोस्तों, क्या आप शेयर अवश्य कर देना इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आपकी हर एक पोस्ट एंड कैटेगरी का कट ऑफ आखिरकार 2020 में क्या रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके एमई का कट ऑफ क्या रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सीआईएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हम देखने वाले हैं सबसे पहले किसका, एमई का कट ऑफ। दोस्तों, इससे पहले कि हम कट ऑफ को यहाँ पर आपको बताएं, कुछ बातों का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। क्या कि सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसीज क्या थी। तो आई थिंक आपको पता होगा कितनी वैकेंसी आपका डिपेंड करता है कि टोटल अटेंडेंस क्या रही। तो दोस्तों, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कितनी रही। एंड इसके साथ साथ आप लोगों के पेपर का लेवल क्या रहा, मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, हर एक चीज को अलग कर दें। यहाँ पर 90% डिपेंड करता है आपका पेपर का लेवल, कि आखिरकार पेपर का लेवल क्या था जिससे कि आपका कट ऑफ किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैंडिडेट से बात करने के बाद कुछ बातें सामने आई हैं कि इस बार का आपका जो पेपर है, इस बार का पेपर आपका हम इजी काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, इसके रीजंस बहुत ज्यादा हैं। आप लोगों का जो कट ऑफ है वो इस बार अधिकतम मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स का कहना है कि आप लोगों का जो पेपर है वो इस बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट दिखा, ना कि इजी टू मॉडरेट। तो दोस्तों, एक फैक्ट तो यहाँ से जे निकल रहा है आपके कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। एंड वैकेंसी आप लोग जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हर एक चीज का एनालिसिस करने के बाद आखिरकार आप लोगों का इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है हम वो देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके यूआर कैटेगरी का कट ऑफ आखिरकार क्या जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें यदि आप यूआर कैटेगरी या कहें कि जनरल कैटेगरी से मार्क्स ला रहे हैं करीबन कितने, जी हाँ दोस्तों, आप ला रहे हैं करीबन 170 से 175 के बीच। यदि आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं, आपका सिलेक्शन 101% होने वाला है। अब आप कहेंगे सर ये तो लास्ट ईयर से कम कट ऑफ बता रहे हैं आप। तो दोस्तों, लास्ट ईयर से कट ऑफ आपका इस बार कम जाने वाला है। रीजन यही है कि आपके पेपर के यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा है, ऐसा कैंडिडेट का कहना है, मेरा कुछ नहीं। और जो ये कहे कि लास्ट ईयर के कट ऑफ से इस बार का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, तो दोस्तों यह सबसे बड़ी मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ 10 गया था तो इस बार का कट ऑफ 15 जाए। ये ऐसा बिल्कुल होना जरूरी नहीं रहता, इस बात की प्रूफ है हमारे पास। अभी आपके एसएससी के एग्जाम्स को देख सकते हैं, अभी दो एग्जाम के रिजल्ट आए हैं जिनमें बहुत सी बातें प्रूफ हो गई कि आपकी जो लास्ट ईयर के कट ऑफ से इस बार का कट ऑफ कम गया है। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा कि आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ इतना गया था तो इस बार का कट ऑफ इतना जाना डिसाइड है, बिल्कुल नहीं है, 100% रॉन्ग बात हो जाती है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप लोगों का कट ऑफ का लेवल, पेपर का लेवल क्या रहा, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, इजी था, और दोस्तों आपकी पोस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट आखिरकार आपका ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आपके ओबीसी एनसीएल की। यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर करीबन कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आप मार्क्स बना रहे हैं यहाँ पर 165 से लेकर 170 के बीच, यदि आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर 100% श्योर होने वाला है, 165 से लेकर 170 के बीच आउट ऑफ 200, है ना। चलिए देख लेते हैं एससी का कि सारे एससी का क्या जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप बना रहे हैं करीबन, जी हाँ दोस्तों, आपके मार्क्स आ रहे हैं समथिंग 158 से लेकर आपके मार्क्स आ रहे हैं करीबन 165 के समथिंग। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं, बट इतना स्कोर होना अनिवार्य है। एंड इसी प्रकार से बता देते हैं कि सर एसटी का क्या जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर
आपको करीबन यहाँ पर 150 से लेकर मार्क्स लाने होंगे 155 के समथिंग। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके 150 से लेकर 155 के समथिंग समथिंग मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं, आपका डन है। एंड इसी प्रकार से बात करते हैं PWDOH एंड PWDHH, इनका कट ऑफ किया जा सकता है ME के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप PWDOH से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स बने हैं कभी करीबन कितने, जी हाँ दोस्तों आपके मार्क्स आ रहे हैं समथिंग समथिंग 140 से लेकर आपके 145 के अराउंड। तो दोस्तों आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल डन होने वाला है, बट इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड इसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी, जो कि है आपकी PWDHH कैटेगरी। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप इस कैटेगरी से मार्क्स बना रहे हैं करीबन ऑलमोस्ट आपके 85 से लेकर कितने, जी हाँ दोस्तों आप ला रहे हैं करीबन 90 के समथिंग, इतना स्कोर यदि आपका है तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं, बट जितना मैंने बोला है इतना होना अनिवार्य है। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आपका नेक्स्ट किसका, सिविल। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं सिविल वालों के लिए कि आखिरकार आपका स्कोर कितना होना चाहिए तब जाके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, यूआर कैटेगरी की। दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज का एनालिसिस करने के बाद यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं यूआर कैटेगरी से कितने, जी हाँ दोस्तों आप ला रहे हैं समथिंग समथिंग आपके मार्क्स 158 से लेकर कहाँ तक, जी हाँ दोस्तों आप ला रहे हैं आपके 161 के बीच। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर बिल्कुल श्योर होने वाला है, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से बात करते हैं क्या आपके ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स बन रहे हैं करीबन करीबन कितने, जी हाँ दोस्तों आप ला रहे हैं करीबन 150 से लेकर आपके 153 के अराउंड। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं, आपका सिलेक्शन भी यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से बात करते हैं एससी एंड एसटी कि आप लोगों का स्कोर कितना होना चाहिए तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स करीबन होने चाहिए यहाँ पर 140 के समथिंग, और यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स होने चाहिए करीबन कितने आपके, जी हाँ दोस्तों आपका स्कोर होना चाहिए करीबन करीबन यहाँ पे 138 के समथिंग। इतना यदि आपका स्कोर है एसटी कैटेगरी से तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर बिल्कुल श्योर है, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं आपके PWDOH एंड PWDHH का, इसके लिए आप लोगों का स्कोर कितना होना अनिवार्य है तब जाके आपके चांसेस हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप OS से बिलोंग करते हैं तो आपका यहां पर करीबन करीबन मार्क्स होना चाहिए 128 के समथिंग समथिंग, एंड इसी प्रकार से आप बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए, तो दोस्तों आपका स्कोर यहाँ पे होना चाहिए करीबन 90 मार्क्स के समथिंग। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर बिल्कुल डन है। आप ये ना सोचें कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था, रीजन आपका पेपर का लेवल। जी हाँ दोस्तों, पेपर का डिफिकल्टी लेवल ही डिसाइड कर देता है कि आप लोगों का कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट का कहना है आप लोगों का कट ऑफ इस बार कम ही जाने वाला है, रीजन आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल। कोई नहीं कह रहा कि आपका पेपर का लेवल इजी रहा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आपके इलेक्ट्रिकल्स का कट ऑफ क्या जा सकता है। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके इलेक्ट्रिकल की। जी हाँ दोस्तों, कि आखिरकार क्या जा सकता है आप लोगों का कट ऑफ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें, यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स करीबन होने चाहिए यहाँ पर 155 से 162 के समथिंग समथिंग, एंड इसी प्रकार से यदि आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पर 145 से लेकर 150 के समथिंग मार्क्स होना अनिवार्य है। एंड इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो 140 से 145, एसटी से 135 से 140, आप PWDOH से 125 से 130 एंड PWDHH से 85 से 90 के मार्क्स आपके समथिंग समथिंग हैं, तो आप लोगों के यहाँ पर बिल्कुल 101% चांस है आप बिल्कुल क्रैक कर जाएंगे। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।